हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले ईबी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हमारी जैक मशीन में अक्सर आ जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईबी प्रॉब्लम होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईबी प्रॉब्लम होता क्या है। ईबी का मतलब होता है हाई वोल्टेज प्रोटेशन, मतलब हमारी मशीन में एक फीचर्स दिया गया है जिसे हम कहते हैं हाई वोल्टेज प्रोटेशन। मतलब हमारी मशीन पर अगर हाई वोल्टेज आता है, जैसे कि हमारे यहाँ कभी वोल्टेज कम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें अगर हाई वोल्टेज आता है तो इस मशीन में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मशीन क्या करती है, ईबी प्रॉब्लम ला देती है, जिससे कि आपकी मशीन चलना बंद हो जाए। तो हम उसे कैसे मेंटेन करें, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। हमने प्रेस किया, एफ आया। एफ आने के बाद हम प्लस को प्रेस करेंगे, जो ये आर आएगा, आधा आर, तो इसे हम माइनस से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आया 15, तो 15 को हम क्या करेंगे, माइनस से जीरो करेंगे। हमने जीरो किया, फिर हम प्लस को दबाएंगे, तो प्लस से ये सेटिंग सेफ हो गई। तो उसके बाद हम फिर एक और बार प्लस दबाएंगे, तो ये वाई आया। तो वाई आने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस से इस वश, मतलब इस सेटिंग को वापस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये 27 आया, इसे हमको जीरो करना है, तो हमने जीरो कर दिया। देखिए ऐसे जीरो आता है, ये जीरो आ गया। जीरो आने के बाद इसको सेफ कर दिया, सेफ कर दिया। सेफ करने के बाद हमको वापस एफ पे जाना है। एफ पे जाने के बाद हमको मशीन को प्ले कर देना है, तो हमारी मशीन का ईबी प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब आपको मशीन में ईबी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर कभी आता है तो वो दो सेटिंग को याद रखिए और उसे सेफ करके रखिए, तो आपकी मशीन में ईबी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।